आमिर खान और करीना कपूर खान स्टारर लाल सिंह चड्ढा तीसरे दिन भी बॉक्स ऑफिस पर फीकी साबित हुई। यही हाल अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की फिल्म रक्षाबंधन का भी रहा। एक ही दिन 11 अगस्त को दोनों फिल्में रिलीज हुई थी और दर्शकों को और फिल्म क्रिटिक्स ने कमोवेश एक जैसा मिला जुला रिस्पॉन्स इन दोनों फिल्म को दिया। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि दोनों फिल्म का ओपनिंग वीकेंड रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तीसरे दिन तक रक्षाबंधन को जहां कुल 21 करोड़ रुपए वो कमा चुकी थी, वहीं लाल सिंह चड्ढा ने तीन दिन में कुल 27 करोड़ रुपए की कमाई की। रक्षाबंधन ने कितने कमाए? फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श के मुताबिक 70 करोड़ रुपए के बजट में बनी रक्षाबंधन ने अपने तीसरे दिन यानी शनिवार को करीब 6.5 करोड़ की कमाई की। ओपनिंग डे पर फिल्म ने 8.20 करोड़ रुपए की कमाई की थी और फिर दूसरे दिन 12 अगस्त को फिल्म की कमाई में लगभग 20% की गिरावट आई। इस तरह देखें तो कुल मिलाकर फिल्म ने पहले तीन दिनों में 21 करोड़ रुपए कमाए। आनंद एल राय निर्देशन में बनी फिल्म रक्षाबंधन भाई बहन के रिश्तों पर आधारित फिल्म है। बॉक्स ऑफिस इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने यूपी और राजस्थान में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन मुंबई, पुणे, कोलकाता, बैंगलोर और हैदराबाद में इसका प्रदर्शन खराब रहा। साथ ही गुजरात में भी दर्शकों में मूवी के लिए कुछ ज्यादा क्रेज नहीं दिखा। कैसी रही लाल सिंह चड्ढा की कमाई? रक्षाबंधन के बाद अब बात करते हैं लाल सिंह चड्ढा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। करीब 180 करोड़ की लागत से बनी आमिर खान की इस मूवी का भी प्रदर्शन वैसा ही है, लेकिन इसकी कमाई रक्षाबंधन से थोड़ी ज्यादा है। तरण आदर्श के मुताबिक ओपनिंग डे पर फिल्म ने 11.70 करोड़ रुपए कमाए, दूसरे दिन को 7.26 करोड़ और शनिवार को 9 करोड़ रुपए की कमाई इस फिल्म ने की। यानी रिलीज होने के तीन दिन बाद इस फिल्म ने कुल 27.96 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। डायरेक्टर अद्वैत चंदन द्वारा निर्देशित लाल सिंह चड्ढा साल 1994 में आई हॉलीवुड क्लासिक फॉरेस्ट गम का हिंदी रीमेक है। फॉरेस्ट गम में टॉम हैंक्स ने लीड किरदार निभाया था। लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन दोनों फिल्म्स 11 अगस्त को रक्षाबंधन के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। दोनों फिल्म्स को 3,000 स्क्रीन्स मिली थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन के बाद दोनों ही फिल्मों के कई शोज कैंसिल भी किए जा चुके हैं। ये सारी जानकारी एकत्रित कर लिखी थी आपके लिए हमारे साथी आयुष ने। कैमरा के पीछे हैं विजय, मैं हूँ आस्था। अपना ख्याल रखिए और देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जरूरी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया। दी लल्लन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की, लल्लन टॉप ऐप, जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए लल्लन टॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किस्से, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको है बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही Google Play Store पर जाइए और दी लल्लन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।